हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे और देख सकते हैं दोस्तों मैं भी स्वस्थ हूँ। तो दोस्तों अभी सुबह के लगभग 10 बज चुके हैं, अभी देख सकते हैं पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं आसमान में और धूप भी नहीं लगी हुई है। और अभी मैं आया हूँ दोस्तों अपने पशुओं के साथ। ये देख सकते हैं ये रोहित भी आया हुआ है अपने पशुओं को लेकर और इसकी गाय यहाँ पर है। और देख सकते हैं दोस्तों अपना कालू भी आया हुआ है, ये देख सकते हैं। तो अभी दोस्तों हम लोग इनके लिए जो घास है वो काट लेते हैं पेड़ से। देखिए दोस्तों, चाचू चले गए हैं नीचे, वो गए हैं घास काटने, तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ वो घास काट रहे हैं। देखिए दोस्तों, वो रहे चाचू, वो काट रहे हैं घास। तो ये जो अभी काट रहे हैं, इसे हमारी पहाड़ी भाषा में बोला जाता है कऊ। तो देखिए इनके पीछे इनके जानवर आ गए हैं। तो देखिए ये मेरे जानवर हैं, तो चाचू जी काट रहे हैं घास और ये भी चले गए वहाँ खाने। ये दो मेरी हैं और ये एक चाचू जी का है, जो कि ये भी जा रहा है नीचे खाने के लिए। ये कालू है, कालू जा रहा है मुर्गे के शिकार पर। देखिए दोस्तों, उतरने के लिए रास्ता काफी कंजस्टेड है। बहुत स्लीप लग रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैं भी आ जाया हूँ चाचू के साथ। तो हमने कल रात को एक दूसरे से बात कर ली थी फ़ोन पर, तो कि कल हम दोनों जाएंगे साथ में जानवरों के साथ। तो जैसा कि आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि मेरे घर जो हैं वो गांव से थोड़ी दूरी पर हैं, तो आज है संडे, इसलिए मैं और चाचू आ गए हैं इकट्ठे ही जानवरों के साथ। तो हमने अभी घास काट कर इनको डाला है, ये खा रहे हैं नीचे, और चाचू अभी पेड़ लगे हैं काटने। देखिए चाचू पूरी तरह से पेड़ पर चढ़ चुके हैं और ये काट रहे हैं। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं मैंने एक पेड़ को काट दिया और अपने जो पशु हैं वो यहाँ पर अभी आराम से चरते रहेंगे। और रोहित अभी जो मैंने पेड़ काटा था उसका जो घास था वो पशुओं को डाल रहा है। ये देख सकते हैं दोस्तों अपनी बकरियां। और दोस्तों जो डेली ब्लॉग देखता है उसे पता है मेरे पास 3 बकरियां थी, ये देख सकते हैं अभी 2 ही हैं। अपने यहाँ दोस्तों बाघ और तेंदुओं का काफ़ी खतरा रहता है। बाघ तो बहुत ही कम होते हैं, लेकिन जो तेंदुआ दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो जो बकरी है उसको तेंदुआ मार देता है। तो दोस्तों पिछले महीने ही मेरी बकरी को दोस्तों तेंदुओं ने मार दिया था। लोग दोस्तों ऐसे ही जंगल में पशुओं को छोड़ देते थे, और पशुओं को तो तेंदुआ नहीं मारता है, लेकिन जो बड़े पशु रहते हैं उन्हें तो नहीं मारता है, लेकिन जो छोटी बकरियाँ रहती हैं उन्हें मार देता है। तो अभी खुद ही आना पड़ता है दोस्तों बकरियों के साथ, और सारा दिन भर जंगल में ही रहना पड़ता है। यह बकरी जो है कालू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, जब भी कालू इसके पास आता है तो उसको मारने के लिए दौड़ जाती है। और देख सकते हैं कैसे उसे मार के भगा रही है, वो देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी 1 भी बज चुका है और खाना खाने का टाइम भी हो चुका है, तो अभी दोस्तों चलते हैं घर की ओर। और दोस्तों रोहित भी देख सकते हैं वहाँ नीचे उसकी गाय है, तो उनको लेने के लिए वो चला गया है।